हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट पे यूज़र परमिशन कैसे देते हैं। ठीक है, आप यूज़र परमिशन कैसे देते हैं और क्यों ज़रूरी होता है ये मैं आपको बता दूँ। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास दो सेलर अकाउंट है उस केस में आप क्या करते हो, एक ही लैपटॉप पर, एक ही नेट कनेक्शन पर आप क्या करते हो, एक को लॉग आउट करते हो फिर दूसरा लॉग इन करते हो। उस केस में भी फ्रेंड रिस्क रहता है। रिस्क किस चीज़ का रहता है कि अगर आपने एक ही लैपटॉप और एक ही कनेक्शन पे अगर दो सेलर अकाउंट चलाए तो रिस्क ये रहता है कि सस्पेंड होने का। उस केस में आपके दोनों अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं। तो इसलिए हम यूज़र परमिशन देते हैं किसी अकाउंट को, जिससे कि हम एक ही अकाउंट लॉगिन करें और एक अकाउंट से ही अपना दूसरा अकाउंट भी मैनेज कर लें। जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक अकाउंट हो गया, ठीक है, मैं आपको एक फ्रेंड बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये एक मेन अकाउंट हो गया, ठीक है। अब इस मेन अकाउंट को अब मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे सेलर अकाउंट पे इसकी परमिशन दे दूँ कि जब भी मैं उस अकाउंट को ओपन करूँ तो इस अकाउंट को मुझे ओपन ना करना पड़े, मैं सेम अकाउंट से ही दोनों अकाउंट हैंडल कर लूँ। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपको आना है, ये आपको साइड में दिखेगा, ये राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, मैं व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, राइट हैंड साइड पर आना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, मैनेज प्रोफाइल एंड लॉग आउट। आपको मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो के आएगा, ठीक है। इसमें स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है आपको, और आपको यहाँ पे आना है, ये देखिए मैनेज यूज़र लिखा हुआ है। आप मैनेज यूज़र में व्यू करोगे तो अब तक मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी है इस अकाउंट की, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि अपने इस अकाउंट की परमिशन दूसरे अकाउंट पर दे दूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर आएंगे, ऐड न्यू यूज़र का ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है, व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड आपको, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा विंडो खुल के आएगा। इसमें आपको चार चीज़ें पूछी होंगी, चार चीज़ें लिखी होंगी। पहला तो होता है रोल, और जिस अकाउंट पे आपको परमिशन देनी है उसके लिए आपको उसका चाहिए नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रहेगी उस अकाउंट की, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर रोल किस चीज़ का देना है। देखिए एडमिन का देंगे तो एडमिन का मतलब ये है, अगर आपने उसे एडमिन दिया तो वो आपके अकाउंट में 100 में से 90 चीज़ें वो सब कुछ कर सकता है। सब 10% छूट जाता है उसमें, क्या है, आपके पर्सनल डिटेल्स छूट जाती हैं, उसके अलावा वो सब कुछ कर सकता है। ऑपरेशंस मैनेजर, जैसे आप किसी को अपना अकाउंट देते हो हैंडल करने के लिए कि थर्ड पार्टी को, तो उस समय में आपको देखना है किस किस चीज़ों की परमिशन देनी है आपको। जैसे ऑपरेशन मैनेजर इसकी दोगे, अगर इसकी दोगे तो खाली इतना ही कर पाएगा, ठीक है। कैटलॉग मैनेजर की दोगे तो कैटलॉग खाली कैटलॉग पर ही काम कर पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं छेड़ सकता है। प्रोडक्ट लिस्ट एंड एड मैनेजर्स, जो प्रोडक्ट आपका लिस्ट करेगा और कैंपेन चलाएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐड पार्टनर्स के पे की दोगे तो वो ऐड चला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बट आप एडमिन करोगे तो आप तो उसके पास 90% आपकी चीज़ें रहेंगी, 90% वो आपके अकाउंट में सब कुछ कर सकता है, सिवाय पर्सनल डिटेल छोड़ के, ठीक है। अब देखिए मैंने एडमिन सेलेक्ट कर लिया, मोस्टली लोग एडमिन ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं नाम डाल देता हूँ अजीत कुमार, ठीक है। ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी मैंने देखी दूसरा, ईमेल आईडी कॉपी करके एंटर कर दिया, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे फ्रेंड आपको साइड में दिखाएगा, देखिए कि आपने इस पर्सन को, इस ईमेल आईडी को यूज़र परमिशन दे रखी है, ठीक है फ्रेंड। तो नॉर्मल से आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल है, सेम प्रोसेस अमेजोन में भी रहता है, बट आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आपको चल के दिखाता हूँ दूसरे अकाउंट पे। तो फ्रेंड अब देखिए उस अकाउंट से मैंने परमिशन दी थी इस अकाउंट पे, ठीक है। अब मैंने इस अकाउंट को परमिशन दे रखी है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको देखिए राइट हैंड साइड पे आना, जहाँ ये लिखा हुआ है, किल्सन लिखा हुआ है, जो मेरे स्टोर का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए पहले दो ऑप्शन आता है। आपने फर्स्ट वाले अकाउंट में देखा होगा दो ही ऑप्शन था, मैनेज प्रोफाइल एंड लॉग आउट। अब लेकिन देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी आ रहा है बीच में, स्विच अकाउंट। अब जैसे मैं स्विच अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये दिखाने लग जाएगा जो सेकंड अकाउंट है जिसकी मैंने परमिशन लिया। और जैसे मैं इस पर क्लिक करके एक्सेस करूँगा तो आप देखेंगे फ्रेंड मैं दूसरा अकाउंट अपने पास प्रॉपरली देख पा रहा हूँ, और मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मुझे अपने उस अकाउंट पर जाना है, स्विच किया, दोबारा इस पर आया, एक्सेस किया, ठीक है। देखिए नॉर्मल, मतलब एक ही स्विच से मैं अपने दोनों अकाउंट एक ही लैपटॉप पे, एक ही अकाउंट पे हैंडल कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे बार बार लॉग आउट करके लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यही बिल्कुल सेफ तरीका है दोस्त, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। वरना जो प्रोसेस लॉग आउट करना, लॉग इन करना, इस प्रोसेस में अकाउंट सस्पेंड होने का 90% चांस रहता है फ्रेंड। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।